आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने सीए पर रोक लगाने से किया इनकार, सरकार को जवाब देने के लिए दिए 4 सप्ताह। मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर झटका, इंडिया रेटिंग्स ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई। बीजेपी नेता शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार को घेरा, कहा मध्य प्रदेश में सब सत्ता के नशे में चूर हैं। पूर्व मंत्री बद्रीलाल जोश में खो बैठे होश, कलेक्टर पर की अभद्र और घटिया टिप्पणी। और भोपाल में बड़े सेक्स रैकेट का हुआ खुलासा, विदेशी बाला के साथ पकड़े गए एसबीआई के मैनेजर। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। नागरिकता संशोधन एक्ट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस प्रक्रिया पर तुरंत किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले पर दर्ज याचिकाओं को सुनने के लिए संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। केंद्र सरकार को अब इस मामले पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मिला है और 5वें हफ्ते में अब चीफ जस्टिस की बेंच इस मसले को सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीए पर कुल 144 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगी 140 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने इन याचिकाओं की सुनवाई की। बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना भी हैं। बेंच ने केंद्र को इन याचिकाओं को लेकर नोटिस जारी किया था। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने नई 84 याचिकाओं को लेकर जवाब देने के लिए कोर्ट से 6 हफ्ते का वक्त मांगा। सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को नई याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय तय किया। इस मामले से जुड़ी कोई भी नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि सीए को रद्द किया जाए, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इसे 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस कानून को रद्द नहीं कर सकते हैं, निलंबित करने को भी रोक लगाना माना जाएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले को संविधान पीठ के हवाले करने के संकेत दिए हैं। अब 4 हफ्ते के बाद इस मसले पर सुनवाई होगी जिसमें पीठ का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी कि कोई हाई कोर्ट नागरिकता संशोधन एक्ट पर कोई सुनवाई ना करे। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी हाई कोर्ट इस मसले पर सुनवाई नहीं करेगी। इंडिया रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 5.5% की बढ़त होने का अनुमान लगाया है। पहले एजेंसी को लगता था कि अगले वित्त वर्ष में कुछ सुधार होगा, लेकिन अब इसका कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कम खपत और कम निवेश मांग के दौर में फंस गई है। बजट से पहले आर्थिक हालातों पर लगातार नकारात्मक खबरें आ रही हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए एक और झटका है इंडिया रेटिंग्स का विश्लेषण। इंडिया रेटिंग्स अगले वर्ष के GDP ग्रोथ अनुमान को घटाकर 5.5% किया गया। इसके अलावा IMF ने इस वर्ष के GDP ग्रोथ अनुमान को 4.8% किया था। भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 5% का बढ़त होने का अनुमान लगाया है, यानी अगले साल भी इसमें बहुत मामूली बढ़त होगी। पिछले साल नवंबर महीने में फिच समूह की इस रेटिंग एजेंसी ने भारत के GDP में इस वित्त वर्ष यानी 2019-20 में GDP में 5.6% की बढ़त होने का अनुमान लगाया था। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के इकोनॉमिस्ट सुनील सिन्हा ने कहा, हमें उम्मीद थी कि वित्त वर्ष 2021 में कुछ सुधार होगा, लेकिन जोखिम बना हुआ है जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था कम खपत और कमजोर मांग के चक्र में फंसती दिख रही है। बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने कलेक्टर का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा। कलेक्टर थप्पड़ मारे, SDM थप्पड़ मारे, सब सत्ता के नशे में चूर हैं और ये सब
ऊपर के इशारे पर हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्यावरा में जो कुछ हुआ ये गलत है। मैं 5 बार सांसद रहा, विधायक रहा, 3 बार मुख्यमंत्री रहा, लेकिन कलेक्टर का ऐसा व्यवहार मैंने पहले कभी नहीं देखा। पूरे ब्यावरा को कैद खाना बना दिया। मध्य प्रदेश में नंगा नाच चल रहा है। ये घिनौनी हरकत बिना ऊपर के इशारे पर नहीं हो सकती। मैडम सोनिया गांधी के इशारे पर कांग्रेस शासित राज्यों में यह हो रहा है। एक मंत्री सांसद का अपमान कर रहे हैं। क्या कलेक्टर को हक है कि वह थप्पड़ बरसाए, SDM दौड़ाकर पीटे? शिवराज सिंह ने कलेक्टर और SDM के कृत्य को दंडनीय अपराध बताते हुए कहा, कलेक्टर को निलंबित कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। CA का विरोध हो रहा है और विरोध में ऐसा लगता कह दिया गया कि अफसरों को कुछ भी करो। आखिर किस हैसियत से कलेक्टर ने चांटे मारे? क्या कलेक्टर का अधिकार है कि वो सरे आप कारण पकड़ के जनता के लोगों को खींचे, जब मन में आए धड़ाधड़ थप्पड़ बरसा दे? SDM को यह हक है कि वो कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटे? शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री जीतू पटवारी और PC शर्मा पर भी निशाना साधा और कहा यह मंत्री पद पर रहने के काबिल नहीं है। गाड़ी बंगले अधिकार मिले हैं तो किसी को डांटने के लिए, अपमानित करने के लिए नहीं मिले हैं। प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए मिले हैं, लेकिन सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं सांसद को बाहर करो। कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता जिला योजना समिति की बैठक में बैठते हैं और सांसदों विधायकों को जगह नहीं रहती है। ये मंत्री रहने के लायक नहीं। मंत्री का पद संवैधानिक पद होता है। ये मंत्री को अगर बंगला और गाड़ी मिली है, अधिकार मिले हैं, तो किसी को डांटने के लिए, अपमानित करने के लिए, भगाने के लिए, इसके लिए नहीं है। प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए। लेकिन सत्ता के नशे में ऐसे चूर हो गए कि कुछ दिखाई नहीं देता। सांसद को बाहर करो। साधारण कार्यकर्ता बैठते बैठकों में योजना समिति की, सांसद विधायक को जगह नहीं रहती। विपक्ष के आए तो उनके कार्यकर्ताओं के पास बैठ जाओ। आखिर बैठक भी कोई नियम प्रक्रिया के अंतर्गत चलेगी कि नहीं चलेगी? सवाल उठाए जाते तो डांट दिया जाता है। ऐसे सरकार और ऐसे मंत्री मैंने नहीं देखे। ऐसे लोग मंत्री के काबिल नहीं। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मारी जाती है ये कोई पूर्व मंत्री बद्रीलाल से सीखे। राजगढ़ कलेक्टर ने CA के समर्थन में रैली निकाल रहे कार्यकर्ताओं पर थप्पड़ बरसाए थे। भाजपा को भी बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया था। कलेक्टर के जरिए पूरी की पूरी भाजपा कमलनाथ सरकार को घेरने में जुटी हुई थी। इसीलिए भाजपा के बड़े से लेकर छोटे सभी कार्यकर्ता उसी जगह पर एकजुट होकर कलेक्टर के खिलाफ सभा कर FIR लिखाने पहुंचे थे। मगर अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष दो। सभा में भाषण देते हुए पूर्व मंत्री बद्रीलाल इतने जोश में आ गए कि होश खो बैठे और ऐसा कुछ बोल गए जो किसी भी महिला को नागवार गुजरेगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पूर्व मंत्री बद्रीलाल की जवान फिसल गई। राजगढ़ में CA के समर्थन में निकली भाजपा की रैली में कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर द्वारा मारपीट करने के विरोध में भाजपा ने सभा की। इस दौरान पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव ने सभा में कलेक्टर को लेकर घटिया टिप्पणी कर डाली। कहा कि कलेक्टर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रेम से दूध पिलाती हैं, गोद में बिठा कर दूध पिलाती हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को चाटे मारती हैं। ये बदले की भावना है। खैर मामला कुछ भी हो, कलेक्टर ने भले ही गलत किया हो, मगर एक महिला पर इस तरह की घटिया टिप्पणी का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो प्रेम से दूध पिलाती है, गोद में बिठा के दूध पिलाती है और भारतीय जनता पार्टियों के साथ चाटा मारती है, झंडा मारती है। ये बदले की भावना है।
सभा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय भी शिरकत करने पहुंचे। ये सभी कलेक्टर निधि निवेदिता के खिलाफ एफआईआर करवाने पहुंचे थे। राजगढ़ में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था। आपको बता दें कि राजगढ़ की घटना को लेकर कलेक्टर निधि निवेदिता को हाईकोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राजगढ़ में सीए रैली में हुए घटनाक्रम के मामले में लगाई गई जनहित याचिका में मध्य प्रदेश सरकार और राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जनहित याचिका हर्षवर्धन शर्मा ने लगाई है। इस मामले में अधिवक्ता पुण्य मित्र भार्गव ने बहस की। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट की तैयारियों के सिलसिले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें महत्वपूर्ण विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के सबद विभागों के बजट प्रस्तावों पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास के कार्यालय में वित्त वर्ष 2020-21 के बजट की तैयारियों के सिलसिले में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। बैठक में मुख्य विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से संबद्ध विभागों के बजट प्रस्तावों पर विभागीय मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया। बैठक में चिकित्सा शिक्षा और वाणिज्य कर जीएसटी विभाग के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में सभी विभागों के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा होशंगाबाद पहुंचे। राजगढ़ सीए के समर्थन में रैली निकाल रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं को कलेक्टर के थप्पड़ मारने की घटना पर कहा कि महिला अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। क्या संघ की यही संस्कृति है? मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा अपने निजी दौरे पर होशंगाबाद पहुंचे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने राजगढ़ में हुए घटनाक्रम पर कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। क्या संघ की यही संस्कृति है? महिला प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर की चोटी पकड़कर खींचना, कमर पर लात मार देना, मैं समझता हूं कि ये अभद्र व्यवहार है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। इस तरह का कायरतापूर्ण काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित तौर पर एक महिला पर अटैक हुए हैं। महिला अधिकारियों ने जो भी किया ठीक था। हम यह देखेंगे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और हम उनके पीछे हैं। संघ को मानने के सवाल पर शर्मा ने कहा कि संघ की क्या यही संस्कृति है, और हमको तो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे ही अधिकारी चाहिए जो दबंगों से और कानून तोड़ने वालों से निपट सके। संघ की यही संस्कृति है, मैं पूछना चाहता हूँ, और हमको तो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे ही अधिकारी चाहिए जो दबंगों को और कानून तोड़ने वालों से निपट सके। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के सबसे पुराने और मशहूर व्यापार मेले में आधी रात को आग लग गई। आग व्यापार मेले के महिंद्रा शोरूम में रात करीब 2:30 बजे लगी और सभी व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। इस आग में महिंद्रा की शोरूम में खड़ी 4 नई बुलेरो और एक स्कॉर्पियो जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे आग ने अन्य किसी दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाया। ग्वालियर व्यापार मेले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में महिंद्रा शोरूम में आग आधी रात करीब 2:30 बजे लगी। आग इतनी भीषण थी कि पल भर में 4 बुलेरो, एक स्कॉर्पियो जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों के साथ पूरे अमले ने भारी मशक्कत की, तब कहीं जाकर रात में करीब 3 बजे आग पर काबू पा सके। गनीमत रही कि यह आग अन्य दुकानों तक नहीं पहुंची। ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर के गेट से दूसरी दुकान महिंद्रा शोरूम की है। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। इस आग में 4 स्कॉर्पियो, 2 बुलेरो और 2-3 अन्य गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई हैं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिवनी में नागरिक परिषद संगठन ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
यात्रा में शामिल सभी लोगों ने राजगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की आलोचना की। सभी ने पूरे देश से नागरिकता कानून का समर्थन करने की अपील की। कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ सरकार को जनहित विरोधी सरकार बताया। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में नागरिक परिषद संगठन ने विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान तिरंगा यात्रा में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि यह कानून देश की संसद से पारित हुआ है, इससे किसी भी देशवासी को कोई नुकसान नहीं होगा। यह कानून देश में नागरिकता देने का कानून है, इसका सबको समर्थन करना चाहिए। दूसरे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इस कानून से उन्हें न्याय मिल सकेगा। इस कानून से देश में किसी भी जाति और धर्म को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही किसी की नागरिकता जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में निकाली तिरंगा यात्रा में कई संगठन के लोग शामिल हुए। तो नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ और इस विधेयक का मकसद यही था कि जो हमारे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उनको नागरिकता देने का विषय, भारत के किसी नागरिक को, किसी समुदाय को कहीं किसी प्रकार का कोई नागरिकता समाप्त करने जैसा विषय इसके अंदर कहीं नहीं है, इस कानून के अंदर। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और इसलिए हम सब लोगों ने, देशवासियों ने विचार किया कि इसके बारे में लोगों को एक जन जागरण चलना चाहिए, लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि इससे कानून का मकसद क्या है, और इसलिए इस प्रकार का ये जो विधेयक पास हुआ है, नागरिकता संशोधन विधेयक, इसके समर्थन में आप देख रहे हैं कि ये जो आज सब इसके समर्थन में साथी में खड़े हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एयरपोर्ट रोड स्थित एक पॉश कॉलोनी में चल रहे हाईटेक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। गिरोह सरगना व्हाट्सएप पर ग्राहक को युवतियों के फोटो भेजता था। सौदा पटने पर ग्राहक को लाने और छोड़ने के लिए लग्जरी कार का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें उज्बेकिस्तान की एक युवती सहित 4 महिलाएं, गिरोह सरगना और एक ग्राहक जो SBI का मैनेजर है। ASP क्राइम निश्चल झारिया के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर इंद्र विहार कॉलोनी स्थित मकान नंबर C106 पर छापा मारा। वहां अलग अलग कमरों में 4 युवतियां मिली, उनमें से एक उज्बेकिस्तान, 2 नेपाल की व 1 कोलकाता की है। इस दौरान सेक्स रैकेट चलाने वाले साजिद हुसैन खान और ग्राहक रामकिशोर मीना को गिरफ्तार किया गया। रामकिशोर सतना में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा का मैनेजर है। उज्बेकिस्तान की कॉल गर्ल टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली आई थी। दिल्ली में वह मालवीय नगर स्थित कॉलोनी में किराए से रहती है। अजय नाम का युवक उसकी दलाली कर रहा था। उसे भोपाल में साजिद ने 1.5 लाख रुपए के पैकेज पर 15 दिन के लिए बुलाया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह दिन में एक बार के 10,000 व 1 रात रुकने के 25,000 रुपए लेती थी। नेपाली युवतियों के देह व्यापार के रेट कम थे। गिरोह के सरगना साजिद हुसैन ने ग्राहकों को उनकी बताई जगह से अड्डे तक लाने व वापस छोड़ने के लिए स्कॉडा कार की सर्विस दे रखी थी। मौके पर मिले मैनेजर रामकिशोर मीना को MP नगर से कार से इंद्र विहार कॉलोनी पहुंचाया गया था। DSP क्राइम सलीम खान के मुताबिक मौके पर मिली युवतियों में एक साजिद की पत्नी है, वह बंगाल की रहने वाली है। पति के कहने पर वह भी देह व्यापार करती है। पुलिस पूछताछ में सरगना साजिद ने बताया कि वह 2 साल पहले तक मुंबई में कपड़े की कटिंग का काम करता था। एयरपोर्ट रोड की इंद्र विहार कॉलोनी में C106 मकान में एक दलाल किराए के मकान में लेकर इन लड़कियों को रख रहा था। बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो रंगे हाथ पकड़ा गया। दलाल ने जो बताया है कि दिल्ली के दलाल के द्वारा इनको भेजा जाता है, उज्बेकिस्तान की लड़कियों को, और दलाल के माध्यम से यहाँ आई हैं। इनके वीजा और पासपोर्ट के संबंध में जानकारी ली जा रही है। जिस मकान में देह व्यापार का पर्दाफाश किया गया, उसमें कॉल गर्ल के साथ ग्राहकों के लिए भी लग्जरी सुविधाएं दी जा रही थी। हर कॉल गर्ल के लिए अलग अलग कमरा था। विदेशी युवती फ्लाइट से आती जाती थी। 1.5 लाख के पैकेज के अलावा उसके लिए रहना खाना सहित सारी सुविधाएं मुफ्त में मिलती थी। उसके आने जाने का खर्चा भी साजिद को देना पड़ता था।
कुछ ही समय पहले सागर जिले के गांव में बच्चों के विवाद में झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दलित युवक पर केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। युवक करीब 60% झुलस गया था। 2 दिन सागर के अस्पताल में रहा, उसके बाद इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। 5 लोगों ने इस युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। अब यह घटनाक्रम दिल्ली तक गूंज रहा है, जिसके चलते पीड़ित दलित युवक से मिलने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पहुंचे हैं। बच्चों को लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि 5 लोग हैवान बन गए और एक जिंदा आदमी को बेरहमी से केरोसिन डालकर आग लगा दी। पीड़ित दलित युवक 60% तक जल गया, जिसे सागर के अस्पताल में एडमिट किया गया और उसके बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। युवक दलित है और उसका परिवार डरा हुआ है, जगह जगह मदद की गुहार लगा रहा है। पूरा परिवार अपनी जान को खतरा भी बता रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर मुरुगन ने आज भोपाल के अस्पताल में पीड़ित से मुलाकात की, साथ ही पीड़ित परिवार के लोगों से उनकी समस्याएं सुनी, उनसे भी बात की। पीड़ित 5ों हैवानों को अच्छे से जानता है, उनके नाम पते भी बताए, इसके अलावा अन्य लोगों की पहचान भी बताई। पीड़ित का दर्द सुनकर डॉक्टर मुरुगन ने अन्य अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रदेश सरकार से मांग की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी मदद के लिए कहा है। आगे के इलाज के लिए डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि पीड़ित धन सिंह अहिरवार को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, जिसके लिए एयर एम्बुलेंस की मांग की गई है। So due to the police officer's negligence and this, the incident happened. Apart from that, I met the victim. The victim's condition is getting day by day worse. So first he admitted in 55%. Today they told 60%. And doctors also told that he wants to be referred to the specialized better treatment. So they suggested that the Safdarjung hospital is the good for in India. आपको बता दें कि पूरा मामला है क्या? दरअसल मोतीनगर थाना अंतर्गत धर्मश्री की आवासीय कॉलोनी में बुधवार रात बच्चों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दलित युवक पर 5 हैवानों ने केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। युवक करीब 60% झुलस गया। 2 दिन उपचार के बाद शुक्रवार को उसे भोपाल में रेफर कर दिया गया। भोपाल में युवक अभी भर्ती है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इस घटना के 2 दिन पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, लेकिन मोतीनगर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर लौटा दिया था। इसी मामले में आरोपी राजीनामा करने का दबाव बना रहे थे। वहीं 14 जनवरी की रात आरोपियों ने परिजनों से मारपीट करते हुए धन सिंह को घेर लिया और उसे आग लगा दी। आरोपी कई दिनों से परिवार के लोगों को परेशान कर रहे थे। मोतीनगर पुलिस ने आरोपी छुट्टू, अज्जू, कल्लू, इरफान के खिलाफ धारा 294, 323, 452, 307, 34वां SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। मंजली बच्चा के लाने जो जिसको जलाया है वो मंडी काम करने गया, तो वहाँ किसी ने बता दिया होगा कि तुम्हारे पापा को मारा और मम्मी को मारा, तो वहाँ से आया 4 बजे किसी ने फोन करके बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा को कल मारा गया, तो वो आ गया। हम अगर किसी के बाप को हम मारने लगे तो फिर क्या होगा भाई? तो ये 30-35 लोग उसके लाने घेर लाए तो हम उनके हाथ में, हमने उसको अंदर कर दिया कि घर में, तो भाई अभी ये अकेला है ये मारेंगे, तो हमने उसको अंदर कर दिया। हम उनके हाथ में उनकी जोड़ते रहे। अब इन लोगों को हमें पता नहीं चला कि ये हमारे बाजू से निकल के पड़ गए कि पीछे के दरवाजे से, तो इन तेल डाला और आ गया। सिगरौली में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से दुराचार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग से शादी करने के नाम पर 9 महीने से दुष्कर्म कर रहा था। सिंगरौली के चुकरी गांव में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नाबालिग लड़की को पहले अपने प्रेम प्रसंग में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर करीब 9 माह तक दुराचार किया। लेकिन जब नाबालिग लड़की ने प्रेमी के ऊपर शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगा। इस बात की जानकारी लड़की ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत मोरवा थाने में की।
जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम चुरखी का एक मनोज साकेत है, उसने नाबालिग बच्ची के साथ में गलत काम किया था। वो रिपोर्ट हुई थी दिनांक 17/1/2020 को, और रिपोर्ट के बाद अपराध पंजीबद्ध कर वो जैसे उसको जानकारी मिली वो फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी महोदय और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई थी, और उस टीम के द्वारा उस आरोपी को दिनांक 20/1/2020 को गिरफ्तार किया जाकर और मेडिकल कराया जाकर और न्यायालय में पेश किया गया। गांधीनगर की गोंड बस्ती में दामाद ने चाचा ससुर की नशे के हालत में हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में खाना बनाने को लेकर कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद दामाद ने अपने ही चाचा ससुर की मौत के घाट उतार दिया। भोपाल में गांधीनगर की गोंड बस्ती के पारदी मोहल्ले में एक दामाद ने अपने चाचा ससुर की हत्या कर दी। घटना देर रात उस समय हुई जब दोनों साथ में बैठकर आरोपी के घर में शराब पी रहे थे। शराब के नशे में खाने को लेकर कहासुनी होने पर दामाद ब्यास सिंह अपना आपा खो बैठा और उसने अपने चाचा ससुर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों का घर मोहल्ले में आमने सामने है। मृतक का नाम नीमक सिंह बताया जा रहा है। आरोपी ब्यास सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दामाद के द्वारा चचिया ससुर की चाकू मौके को घायल कर दिया। रात को रिपोर्ट आने पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर पंजीबद्ध की और उसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। विवाद के कारण में जो बताया गया है कि शराब पी के आए थे और उसी में गुर्दा और शराब के बारे में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, उसी बात को लेकर उसे चार्ज मारा गया। तो आरोपी जो फरियादी मृतक हैं, मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और गांधीनगर के एचएस भी बताया गया। छतरपुर में एक 4 साल की मासूम नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने वाला आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढरारी गांव में एक नाबालिग लड़के ने एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित मासूम घर से बाहर निकली थी, तभी मौका देखकर गांव के एक नाबालिग लड़के ने उसे पकड़ लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची रोते हुए घर पहुंची और अपनी माँ को उसने सब बता दिया, जिसके बाद तत्काल परिजन मासूम को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। 4 वर्ष की बच्ची, उसका दुष्कर्म हुआ है और जिसने किया उसके परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। उसके बाद सीधी में एक बंद कमरे में मिली लाश का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की बात को स्वीकार करते हुए महिला ने बताया कि उसने ही युवक की हत्या की थी, उसके बाद घर में ताला बंद कर फरार हो गई थी। सीधी के उत्तर करौदिया में 15 जनवरी को विजय पेट्रोल पंप के सामने मकान में एक लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त प्रयागराज उत्तर प्रदेश के शत्रुघ्न सिन्हा चौहान के रूप में हुई थी। मृतक बस कंडक्टर था और वह सुधा तिवारी के मकान में आता जाता रहता था। पुलिस ने अंधी हत्या का राज खोलते हुए बताया कि महिला और मृतक शत्रुघ्न के बीच अनैतिक संबंध थे। शत्रुघ्न शराब का आदी था, जिसके चलते वह अक्सर सुधा के पैसे की मांग करता था और ना देने पर उसके परिजनों को बताने की धमकी देता था, जिससे तंग आकर महिला ने पहले तो शत्रुघ्न को शराब पिलाई और जब वह शराब पीकर लड़खड़ाने लगा तो उसे धक्का दे दिया, जिससे शत्रुघ्न गिरकर बेहोश हो गया। तब आरोपी महिला सुधा तिवारी ने उसे स्टोर रूम में ले जाकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और घर का ताला बंद कर फरार हो गई। पुलिस ने आरोपी महिला सुधा तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुधा तिवारी की तलाश एक टीम गठित करके पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम गठित की गई। टीम के द्वारा महिला को रीवा से लेकर थाने पूछताछ की। पूछताछ में वो घटना स्वीकार की। घटना में उसके द्वारा बताया गया वो दारू चुकी पीवा होता तो महिला के उसे बाल पकड़ खींचा, बाल पकड़ खींचा तो उसने धक्का दे दिया। धक्का में उसके दीवार से टकरा गया, से गिर के बेहोश हो गया। टोला करके उसने छिड़क दिया और माचिस से आग लगा दी। माचिस से आग लगाने के बाद घबरा गई, धुआं निकलने लगा तो उसने आग बुझा दी। आग बुझाने के बाद बंद करके वो चली, पूरे अपने बर्तन और अपने कपड़े वपड़े लेके चल गई। उसको पकड़ करके आज दिनांक 20 को आज उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके न्यायालय।
इंदौर में सड़कों पर दूल्हा दौड़ रहा था, उसके साथ बाराती भी दौड़ रहे थे। यह देखकर लोग अचरज में पड़ गए और ये सब 12 किलोमीटर दौड़कर दुल्हन के घर पहुंचे और विवाह की रस्में पूरी की। दरअसल फिजिकल ट्रेनर नीरज मालवीय की शादी थी। अपनी शादी को यादगार बनाने और फिटनेस का संदेश देने के लिए उन्होंने दौड़कर बारात निकाली। ये दौड़ती हुई बारात जो आप देख रहे हैं वो बारात है फिजिकल ट्रेनर नीरज मालवीय की। नीरज मालवीय ने अपनी बारात को अनोखे तरीके से इंदौर की सड़कों पर निकाला। आमतौर पर बारात में दूल्हा घोड़े पर बैठकर निकलता है, लेकिन जो बारात नीरज ने निकाली वह कई मायनों में अलग है। इसमें दूल्हा नीरज दौड़ते हुए नजर आ रहा है, वहीं उसके बाराती भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि फिजिकल ट्रेनर नीरज ने अपनी शादी को अनोखे तरीके से करने के लिए एक संकल्प लिया था। उसी संकल्प के जरिए उसने अपनी बारात का आयोजन किया, जिसमें बाराती अच्छी सेहत का संदेश देते हुए नजर आए। जिस जगह से यह बारात निकली लोगों ने काफी आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन जिस तरह से यह बारात निकाली जा रही है वह कई मायनों में अहम है। बारात में शामिल होने आए बारातियों का भी कहना है कि जब नीरज ने अपने मोटों के बारे में बताया तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पर्यावरण, सहजता और सेहत के लिए यह अच्छा मैसेज का वर्णन दिया तो हम भी उसके साथ आ गए और आज उसकी बारात में दौड़ते हुए जा रहे हैं। दौड़ते हुए बारात लेके जा रहा हूँ। ख्वाहिश थी बचपन से कुछ शादी में डिफरेंट करूँ, और चूंकि मैं फिजिकल ट्रेनर हूँ तो लोगों को फिटनेस के प्रति अवेयरनेस के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ। आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि हम लोग वर्कआउट पे ध्यान नहीं देते, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस ही नहीं कर रहे हम लोग। लोग बहाने बताते हैं, आज शादी में जाना था, आज वहाँ जाना था, आज वो फंक्शन था, आज ऑफिस वर्किंग ज़्यादा था, पर इन सब के बाद भी हम खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। मैं यही दिखाने के लिए खुद की शादी में रन करते हुए जा रहा हूँ। हमें इसका प्रस्ताव लगा, इसने बहुत टाइम पहले मुझे बताया था कि जब भी मेरी शादी होगी मैं रनिंग करवाते हुए ले जाऊँ। बहुत टाइम से इंदौर में कोचिंग दे रहा है फिजिकल ट्रेनिंग की, दशहरा मैदान पर ये फ्री कोचिंग चलाते हैं। ये सब जो भी हैं एजेड लोग, जितने भी येलो टी शर्ट में आपको दिख रहे हैं, इनके स्टूडेंट्स हैं ये लोग। जैसे इसका लगा हमें कि हाँ यार बहुत अच्छा वो है, ये इसका एक माइंड में इसके कुछ भी नई चीज़ आई कि हाँ करना चाहिए इसको। सब लोगों ने मना करने का किसी के मन में ख्याल नहीं आया, वो चीज़ सब ने हाँ ही की। इसके साथ साथ हम पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहे हैं, प्लास्टिक मुक्त भाई हमें इंदौर करना है। इंदौर हो ही रहा है आप लोग जानते हैं, उसके लिए भी अभी बहुत सारे, हमारी शादी में 16 तारीख से प्रोग्राम चल रहा है, पूरा प्लास्टिक मुक्त है, कुछ भी चीज़ नहीं है हमारे पास प्लास्टिक की, पूरा स्टील का बर्तन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक की कोई चीज़ डिस्पोजल, मतलब डिस्पोजल तक भी नहीं लिया। नीरज मालवीय इंदौर के खंडवा रोड के रहने वाले हैं, वहीं उनकी दुल्हन निकिता बिल्लौर इंदौर के संगम नगर की रहने वाली हैं। नीरज मालवीय ने खंडवा रोड से अपनी बारात दौड़ते हुए निकाली और 12 किलोमीटर दूर निकिता बिल्लौरे के घर पहुंची। वहीं दुल्हन निकिता बिल्लौरे का कहना है कि जिस तरह से नीरज ने एक मैसेज दिया है वह काफी सराहनीय है और उसके मैसेज का मैं भी काफी स्वागत करती हूँ। पहले से पता था लेकिन इस तरह आएगी पता नहीं था। अच्छा कर रहे हैं वो, आगे शहर के लिए कर रहे हैं और फिट इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। मैं उनको सपोर्ट में उनके, हाँ ये बहुत अच्छी पहल है पर्यावरण के लिए और हम उसका स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो उसके लिए भी बहुत अहम चीज़ है ये, और हम सबको ये इसमें सहयोग करना चाहिए। फिलहाल इंदौर के युवक ने जिस तरह से एक पहल की शुरुआत की है वह कई मायनों में अहम है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में दूल्हे नीरज मालवीय से अन्य युवक किस तरह से प्रेरणा लेते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।